अच्छा, आपको आवाज़ नहीं आ रही? एक मिनट, देखता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, इधर तो फुल है और यहाँ दिख भी रहा है, अच्छा खासा साउंड जा रहा है। चारुलता जी, आपको ठीक से आवाज़ आ रही है? हाँ चलिए, अभी आ रही है आवाज़ सोजस जी? हाँ अभी अभी एकदम बराबर, परफेक्ट है, एकदम लाउड बराबर है। अच्छे से आवाज आ रही है ना? ठीक है, तो अब एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। चल रही है? हाँ, रिकॉर्डिंग भी चालू हो गई। सर्वेशाम नमो नमः। आज हमारे पास नई प्रतिभागी हैं शिल्पा, तो नमो नमः। बाकी लोग हैं ओजस जी, चारुलता जी और आज शिल्पा नमो नमः, नमो नमः। जी। तो आप सबको यदि स्क्रीन दिख रहा है तो हम सबसे पहले ओम का उच्चारण करेंगे 1 मिनट तक। तो आंखें बंद कर लेते हैं। तो आशा है कि आप लोग भी सब ओम का उच्चारण साथ में कर पाए। यदि नहीं किया है तो अभी फिर से आंख बंद करके 10-15 सेकंड कर लीजिए। चलिए, तो अभी स्क्रीन मेरा दिख रहा होगा आपको। अब हम शुरू करते हैं। तो जब भी कक्षा में हमको हाँ या नहीं बोलना है तो आम हाँ के लिए या फिर न नहीं के लिए। जब भी हम कक्षा में आते हैं या जाते हैं तो हम सर्वेशाम नमो नमः करते हैं, मतलब हर किसी को नमस्कार। तो अब हम शुरू करते हैं। तो मैं प्रश्न करता हूँ ओजस जी से और फिर आप लोग आप उत्तर देके प्रश्न आगे पूछते जाइए जैसे
आपने देखा है पहले भी। आपका वॉइस अभी भी स्लो है अंशु जी, वॉल्यूम लो है। फिर से हो गया क्या? क्योंकि आप अभी तो बोले कि अभी अच्छा है। हाँ। उसके हाँ बाद में वापस ऐसा एकदम ऐसा स्लो वॉल्यूम लो हो गया। फिर से कम लग रहा है। मेरा बराबर आ रहा है आपको? हाँ आपकी तो अच्छी आ रही है। तो आपका शायद से स्लो है वॉल्यूम मुझे लग रहा है। एक सेकंड मैं देखता हूँ। ठीक है बस कंफर्म करते रहिए कि आपको ठीक से आ रही है। मैं एक जरा सा टेस्ट करके देख रहा हूँ। तो इधर तो मुझे फुली दिख रहा है सब कुछ। कस्टम लेवल जनरल और खैर अभी ये भी है कि इसके पहले हमने जूम का नहीं उपयोग किया है तो ये नहीं पता कि इसमें वैसे भी आवाज कम जाती है पहले वाले टूल के तुलना में, तो ऐसा भी हो सकता है। मैं एक बार माइक बंद करके वापस ज्वाइन करता हूँ, शायद कुछ फर्क पड़े, देखते हैं। अभी मैंने फिर से ऑडियो कनेक्ट किया है। ओजस जी इस बार बोलिए, आपको आवाज आ रही है? नहीं चुझे, अभी भी वैसा ही है। अभी भी कम लग रही है। हाँ इधर से तो सब कुछ मैक्सिमम है जूम के अंदर, मतलब ये टूल के अंदर। तो मैं टेस्ट भी करके देख रहा हूँ और कि आवाज जूम के अंदर कैसी जा रही है। टेस्ट तो बिल्कुल बढ़िया रहा। चारुलता जी आपको मेरी आवाज आ रही है ठीक से? चारुलता जी को आवाज अच्छे से आ रही है। और आज हमारे पास एक और नए प्रतिभागी नजर आ रहे हैं, शिवा जी। नमो नमः शिवा महोदय। नमो नमः शिवा महोदय। तो यदि चारुलता जी को ठीक से आवाज आ रही है ओजस जी, तो आप एक बार ऑडियो डिस्कनेक्ट और कनेक्ट। मुझे उनकी आवाज बराबर आई? हाँ ऐसा करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। क्योंकि यदि उनको आ रही है मतलब मेरे साइड से तो आवाज ठीक ही जा रही होगी ना। क्योंकि मुझे भी उनकी आवाज एकदम बराबर है, आपकी आवाज स्लो आ रही है और कुछ नहीं। मैं वापस ज्वाइन करता हूं। हाँ सिर्फ ऑडियो डिस्कनेक्ट या कनेक्ट करके। शिवाजी आपको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? अंशु जी आ रही है आपकी आवाज? आ रही है। अरे ये शिवा जो है शिवानी निकली। मैं वही सोचा कि एक नया नाम कहाँ से दिख रहा है जो कि अपने इस पर है भी नहीं। ठीक है तो आपको आवाज आ रही है, इसका मतलब है कि चारुलता जी को उन्होंने भी अभी बराबर आई। अंशु जी अभी एकदम परफेक्ट आ रही है। ठीक है बहुत बढ़िया। तो ओजस जी को भी आने लगी, इसका मतलब है सबको ठीक है। चलो तो आप लोग को जब जिसको जो भी कहना है आप खुद को अनम्यूट करते जाइए, बोलते जाइए। साथ में कागज और पेन पेंसिल कुछ लेके बैठेंगे कुछ लिखने के लिए तो अच्छा होगा, क्योंकि कई सारी चीजों में हम लिख के पढ़ के उसको फिर से उच्चारण करके देखते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ प्रश्न पूछना और आपको उत्तर देना है और प्रश्न को आगे बढ़ाते जाना है। ठीक है तो ओजस महोदय से मैं पहले शुरू करता हूँ। मम नाम अंशु, भवतः नाम किम? ओजस महोदय मम नाम ओजसः,
भवत्याः नाम किं चारुलता महोदय? चारुलता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट पे, म्यूट से हटाना पड़ेगा आप। मम नाम चारुलता, तव नाम किं शिवानी महोदय? आई? हाँ आवाज आई, अब शिवानी जी बोलेंगी जो तो समझ। मम नाम शिवानी, एक सेकेंड, मम नाम शिवानी, आई सॉरी आई मिस्ड इट, ये है ना स्क्रीन पे यहाँ पे। हाँ तव नाम किम भवता? अंशु जी के पास मैंने पास ऑन किया है। अच्छा पर अभी एक और पार्टिसिपेंट है ना, आप देख तो लीजिए पार्टिसिपेंट। हाँ अच्छा हाँ हाँ, तव नाम किम भवत्या? शिल्पा जी को पास किया है। मम नाम शिल्पा, भवता नाम किम? आप किसी से भी पूछ सकती हैं, जिससे पूछना चाहें। तो मैंने मैंने आपसे ही पूछा। हाँ तो भवता नाम किम? मम नाम अंशु, अहम संस्कृतम पठामि, किम पठसि भवती चारुलता महोदया? अहम पठामि संस्कृतम। अहम पठामि संस्कृतम्। आगे प्रश्न। भवतः तव नाम किम्? किससे है ये प्रश्न? भवतः नाम किम्? किससे पूछ रही हैं चारुलता जी, आप नाम भी बता ले लीजिए क्योंकि अपन चार पांच लोग हैं। नाम आ जाएगा ना अंदर, और तो नाम किम पूछ जो सीधे नाम तो आ गया। वो तो ठीक है पर अपन पांच लोग हैं ना, तो ये किसको उत्तर देना है, आप किससे पूछ रही हैं वो बता दीजिए, ताकि क्योंकि हम ऑनलाइन मीटिंग में है ना, सामने सामने होते तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ओजस महोदय, तव नाम किम ओजस महोदय? मम नाम ओजसः, किम पठसि भवती शिवानी महोदय? अहम संस्कृत पठामि, किम पठामि शिल्पा महोदय? एक बार फिर से आवाज आई? हाँ आ गई आ गई। अहम संस्कृतम पठामि, किम पठसि, अब और कौन है? नहीं आप वापस भी पूछ सकती हैं, पर मैं शिवानी जी को फिर से पूछने बोल रहा था क्योंकि एक छोटी सी गड़बड़ हुई, तो आप फिर से पूछिए शिवानी जी। हाँ अहम संस्कृतम पठामि, किम पठसि शिल्पा जी, शिल्पा महोदय? हाँ तो आपको भवती या त्वम कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आप ये कैसे बोलेंगी कि आप क्या पढ़ रही हैं। तो नाम तो लिया वो ठीक है, पर भवती या त्वम, किम पठसि त्वम या किम पठसि भवती, अच्छा वो साथ किम पठसि त्वम शिल्पा महोदय? अहम संस्कृतम पठामि, किम पठसि त्वम, सबका हो गया शायद। जिस यदि सबका हो गया तो मुझे आप दे सकती हो तो वो चलेगा। किम पठ
किम पठसि त्वम अंशु महोदय? अहम संस्कृतम पठामि, अहम संस्कृतम लिखामि। किम लिखसि भवती शिवानी महोदया? अहम संस्कृत लिखामि। किम लिखा लिखसि भवान ओजस महोदय? आवाज आई? अहम संस्कृतम लिखामि। हाँ हाँ आई। अहम संस्कृतम लिखामि, किम लिखसि भवती शिल्पा महोदया? अहम लिखामि संस्कृतम, किम लिखसि त्वम चारुलता महोदया? किम पठसि त्वम शिवानी महोदया? आपको उत्तर भी तो देना पहले चारुलता जी। अहम पठामि संस्कृतम, अहम लिखामि संस्कृतम। उत्तम। हाँ, अब प्रश्न पूछिए। अहम संस्कृतम पठामि। आगे मैं पास करूं क्योंकि प्रश्न बदल चुका है? हाँ, आप जो मन में आए प्रश्न कीजिए, और आप पे अच्छा। आया है तो पास तो करना ही है। हाँ। किम पठसि भवान शिल्पा महोदय, भवती शिल्पा महोदया? किम पठसि क्वेश्चन, किम किम पठसि भवती शिल्पा महोदया? अहम संस्कृतम पठामि। किम पठसि त्वम चारुलता महोदया? चारुलता जी आपकी आवाज। हाँ, क्या पूछा प्रश्न? मैं तो म्यूट करने को अभी प्रैक्टिस हो गई है, बराबर होगा। बहुत बढ़िया, पूछो प्रश्न। आज मैं कंप्यूटर में पहली बार बैठी हूँ जिंदगी में, फर्स्ट टाइम। हाँ, बहुत बढ़िया, आज पहली बार कंप्यूटर में बैठी हैं चारुलता जी। हाँ, फिर से प्रश्न पूछ लीजिए। किम पठसि त्वम चारुलता महोदया? हम पठामि संस्कृतम। प्रश्न चारुलता जी। चारुलता जी प्रश्न। अच्छा, तो शायद माइक में शिल्पा महोदया, शिल्पा महोदया। हाँ बोलिए। हाँ? आपका प्रश्न क्या था? हाँ? चारुलता जी, क्या आपने कोई प्रश्न किया शिल्पा महोदया से? या आप, हाँ, कि आपने या? नाम तो बोला पर प्रश्न की आवाज नहीं आई। किम पठामि, किम पठामि शिल्पा महोदया? अहम संस्कृतम पठामि, किम लिखसि त्वम शिवानी महोदया? अहम संस्कृतम लिखामि, किम लिखसि भवान ओजस महोदय? अहम संस्कृतम लिखामि, किम करोसि त्वम चारुलता महोदया? अहम संस्कृतम पठामि, अहम संस्कृतम लिखामि,
ओजस महोदय उत्तमम उत्तमम अब प्रश्न पूछ लीजिए चारुलता जी किम पठसि शिवानी महोदय किम पठसि त्वं शिवानी महोदय अहम संस्कृतं पठामि किम करोसि त्वं त्ववम शिल्पा महोदय अहम संस्कृतं पठामि किम 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 करोसि भी आप बोल सकती हैं हाँ किम करोसि भवान ओजस महोदय अहम विद्यार्थी अस्मि किम करोसि त्वं भवान अंशु महोदय अहम शिक्षकः अस्मि ओजस महोदय अहम संस्कृतं पाठयामि अहम संस्कृतं वदामि किम करोसि भवती शिवानी महोदय अहम शिक्षिका अस्मि बोल सकती हैं अब या अहम शिक्षिका तक भी काफी है अस्मि या अहम शिक्षिमा बट इधर हाँ एक प्रश्न आया अब मैंने तो जॉब छोड़ दी है तो अहम शिक्षिका ना अहम शिक्षिका ना अस्मि तो आप ना लगा देंगे तो वो नेगेटिव पर अब जैसे मुझे अपना प्रेजेंट बताना है कि मैं घर पे रहकर अपने फादर की देखभाल कर रही हूँ तो उसको कैसे बोलेंगे फिर अहम शिक्षिका न अस्मि अहम गृहे मम जनकस्य सेवा करोमि बहुत लंबा है लिख देता हूँ मैं आप सीधा मतलब शांति से समझेंगे तो अंशु जी हाँ तो कैसे बोलना कि मैं विद्यार्थी था तो कैसे बोलना मतलब कैसे बोलता मतलब मैं शिक्षिका थी तो कैसे बोलते हैं थी वाला मतलब थी एग्जैक्टली यदि था बोलना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हम शिक्षिका पर था बोलने के लिए थोड़ा सा अस्ति नहीं अस्ति है के लिए होता है तो स्तः शायद लगा सकते हैं लेकिन वो स्तः जो है प्रथम पुरुष के लिए होता है पूर्व काले अहम शिक्षिका अस्ति पूर्व काले हाँ लेकिन अस्ति फिर भी नहीं लगा सकते क्योंकि पूर्व काले तो ठीक है वो आपने बोल दिया कि मैं पहले शिक्षिका लेकिन अस्ति का फिर से वही मतलब हो गया कि है तो पूर्व काले मैं शिक्षिका हूँ ऐसा हो जाएगा तो वो वाक्य का कोई अर्थ नहीं रहेगा तो भूतकाल को अभी हमने सीखना चालू नहीं किया है हम सब कुछ अभी के लिए एक वचन और वर्तमान काल में सीख रहे हैं तो थोड़े दिन हम वर्तमान में करते हैं जैसे अभी शिवानी जी ने पूछा था कि मैं शिक्षिका अभी नहीं हूं तो वो लिखेंगी या वो बोलेंगी कि अहम शिक्षिका न अस्मि तो उससे ये तो पता चल गया कि वो कभी तो शिक्षिका थी शायद इसलिए वो बोल रही कि मैं अभी नहीं हूं और फिर अहम घर पर या घर में के लिए हम गृहे लगाते हैं ये आपको याद है और ऐसी बहुत सारी शब्दों में जैसे वृक्षे तो जो भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं वृक्ष तो वृक्ष भी अ पे खत्म होता है इसके अंत में कोई आ या ई या ऊ कुछ नहीं आता तो इनके सबकी विभक्तियां एक जैसी चलती हैं विभक्तियां मतलब जब भी हम में पर का के की के लिए
को से ये सारे जो होते हैं जिनको अंग्रेजी में प्रिपोजिशंस भी कहते हैं, तो इनका जब उपयोग करना है तो अलग हर शब्द को थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आता है। तो जैसे वृक्ष में या वृक्ष पर, तो हम वृक्षे बोलेंगे। और अभी तक खैर हमने वो विभक्तियों का पूरा एक तालिका होती है वो नहीं देखी है, इसलिए एक एक विभक्ति अभी मैंने नहीं सिखाई, पर जैसे हमको आवश्यकता पड़ती है वैसे हम सीख रहे हैं। तो अहम गृहे मतलब मैं घर पर या घर में, मम जनकस्य, तो अब जनक जो है पिता है, मम मतलब मेरे या मेरा, तो मम जनकस्य, अब ये जो है षष्ठी है, जनकस्य मतलब जनक की या का, की का के की, ये तीनों के लिए एक ही शब्द होता है। यदि मुझे घर घर का या घर की ऐसे बोलना होता तब मैं गृहस्य भी बोल सकता था, या वृक्षस्य यदि वृक्ष का वृक्ष के, ठीक है। तो घर पर मम जनकस्य सेवा करोमि, सुश्रूषा, बिल्कुल सुश्रूषा। चलिए बोलिए शिवानी जी, किम करोसि भवती? अहम शिक्षिका न अस्ति, अहम गृहे मम जनकस्य सेवा करोमि। उत्तमम उत्तमम। बृहत् कार्यं करोमि करोसि भवती? कैसे मैं कहता हूं अहम गृहिणी अस्ति अस्मि, मतलब वो सिंपल वाक्य में क्या बोलना है, फिर से बोलिए अजय जी। मतलब ऐसे भी, मतलब इसके लिए इतना लंबा है तो ऐसे ऐसे, तो अहम गृहिणी अस्मि। हाँ, गृहिणी यदि वो वही बोलना चाहती हैं, देखो आप क्या बोलना चाहते हो उसके ऊपर भी तो निर्भर करता है ना। यदि वो बताना चाहती हैं, ज्यादातर मैरिड लोगों के लिए यूज होता है वो भी है, पर हाँ जो भी घर का काम करता है वो गृहिणी। तो वो मैं खुद को भी गृहिणी कह सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि गृहिणी सिर्फ लड़की ही होगी, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि वो घर का ही काम करती हैं तो वो बोलेंगी अहम गृहिणी अस्मि या अहम शिक्षिका न अस्मि, जो भी वो बोलना चाहती हैं। पर अब वो ये भी बताना चाहती हैं कि मैं पिताजी की सेवा करती हूँ, इसलिए वो अपने हिसाब से पूरा वाक्य बना सकती हैं कि अहम गृहे मम जनकस्य सेवा करोमि। यदि माता जी लिखना होता वहां पे तो माता की, लेकिन विभक्ति अलग चलती है क्योंकि जनक जो शब्द है वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो अकारांत का अर्थ आपको समझ में आता है, जिसका अंत अ पे है, मतलब कोई बड़ी मात्रा नहीं लग रही इसमें। जनक तो जो क पे खत्म हो रहा है उसमें न जनका है या न जनकी है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब यदि मैं माता की सेवा बोलना चाहता वहां पे, तो माता जो शब्द है वो शब्द अलग तरह का है, वो आकारांत शब्द है और वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसमें माता से जैसा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी विभक्तियां थोड़ी सी अलग होती हैं, उस तरह के शब्दों की विभक्तियां अलग होती हैं, तो उसमें हमको मातायाः उपयोग करना पड़ता। पर अभी हम, क्योंकि हम विभक्तियां हमने अलग अलग नहीं देखी हैं, इसलिए हम वो पूरी तालिका अभी नहीं देख रहे हैं। पर अभी हम ऐसा करते हैं कि एक विभक्ति की तालिका मैं आपको अभी बता देता हूँ, तो आपको फिर ये समझेगा कि विभक्तियों का उपयोग क्या है। तो आज थोड़ी सी एडवांस्ड चीज, थोड़ी बड़ी चीज देख ही लेते हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे सीखते जा रहे हैं तो जिन चीजों की हमको आवश्यकता बढ़ती है कक्षा के अंदर वो सीख रहे हैं। तो आज जैसे विभक्तियों की आवश्यकता पड़ी,
अब गृहे जो है घर पर या घर में, फिर जनकस्य मतलब जनक का या पिताजी का के की, जो भी आप हम बोलना चाहते हैं, तो ये विभक्तियां क्या हैं? तो अब हम गृह शब्द की विभक्तियां ले लेते हैं। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, तो प्रथमा में क्या होता है? प्रथमा ने, इसका मतलब है कि ये करता है, काम करने वाला, डूअर। तो अब इसमें क्या होगा? राम शब्द के लेते हैं, राम की आसान भी होती है, ज्यादातर पुस्तक में भी यदि आप पढ़ेंगे तो राम शब्द की विभक्तियां या बालक शब्द की मिलती हैं। तो रामह, तो जहां भी सीधा सीधा बोलना है कि अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले आज सीखा था, आज नहीं उसका किया, पर यदि मैं, चलिए मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूँ और फिर देखते हैं कि आप इस विभक्ति का अपने आप उपयोग करेंगे। शिवानी महोदया, ओजसः किं करोति? ओजस विद्यार्थी अस्ति। ओजसः विद्यार्थी अस्ति। ओजसः विद्यार्थी अस्ति। चलिए ओजस जी, अब आप किसी और से इस तरह का कोई प्रश्न पूछिए, जब भी मैंने पूछा, या वही का वही प्रश्न भी पूछ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। शिल्पा महोदया, शिवानी ही महोदया, किम करोसि? किम करोति? देखो आप शिल्पा जी से पूछ रहे हैं कि शिवानी महोदया क्या कर रहे हैं, हाँ? तो करोसी हम तब बोलते हैं जब आप, मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे किसी और के बारे में पूछ रहा हूँ कि शिवानी क्या कर रही है, तो अब तब मुझे करोती लगाना पड़ेगा। हाँ, ओके, करोती, किन करोती? फिर से पूछ लो एक बार। अच्छा, शिल्पा महोदया, शिवानी ही महोदया, किन करोती? शिवानी महोदया जनकस्य सेवा करोति। उत्तमम, उत्तमम। तो अब देखो, जब मैंने आप लोगों से पूछा था कि ओजसः किं करोति, तो क्योंकि ओजस जो है वो भी एक अकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसके भी अंत में स आ रहा है, जो कि अ पे अंत होता है, ना उसमें आ है, ना ई है, ना कुछ। तो ओजस की जो विभक्ति है वो बिल्कुल राम शब्द की तरह चलती है, तो इसका मतलब है कि रामह पठति, ओजसह पठति या ओजसह लिखति, हम ऐसा बोल सकते हैं। फिर जब ओजस जी ने पूछा कि शिवानी महोदया किम करोति, तो उसमें आप विसर्ग नहीं लगा सकते, क्योंकि शिवानी जो है वो शब्द अलग है, वो ईकारांत शब्द है, ईकारांत शब्दों में हम विसर्ग नहीं लगा सकते सीधे सीधे। तो ओजस जी जब पूछेंगे तो उन्होंने, उनको पूछना होगा कि शिवानी महोदया किम करोति, तो उन्होंने जैसे शिल्पा जी से पूछा और फिर आपने उत्तर दिया कि शिवानी महोदया जनकस्य सेवा करोति। उत्तमम। तो ये अंतर आपको समझ में आ रहा है कि जब ओजस या राम या बालक काम कर रहा है, जो करता है, रामः पठति, ओजसः अस्ति, तो जब उस ओजस जी ने कहा कि नहीं, ओजस जी ने नहीं कहा, किसने कहा? शिवानी जी ने कहा, शिवानी जी ने कहा कि ओजसः विद्यार्थी अस्ति, तो ओजसः क्योंकि करता है इसलिए ओजसः होगा।
ठीक है, आगे हम विभक्तियों में और पढ़ते हैं तब आपको उदाहरण के साथ और भी समझ में आएगा। द्वितीय जो विभक्ति है इसमें को आता है, तो ये कर्म हो जाता है। कर्म मैं साथ में हिंदी और संस्कृत के ये संबोधन भी लिखते जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो अब मान लो इस जो भी शब्द है उसके ऊपर काम हो रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना अहम पुस्तकम पठामि, तो आप किस चीज को पढ़ रहे हैं? पुस्तक को पढ़ रहे हैं। तो अब वो जो को है वो आप कैसे बोलेंगे? जिसको हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर में, अंग्रेजी की व्याकरण में। तो जब द्वितीय विभक्ति तब उपयोग होती है जब शब्द को आपको को की तरह उपयोग करना है। तो हम नगरम गच्छामि। तो अब यहाँ पे नगरम में क्या है? नगर भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इसके भी एक इसी तरह की विभक्तियां हैं। रामः, तो यहाँ पे राम शब्द की ही यदि आप देखेंगे तो एक जगह पे हम सारे उसी शब्द के भी लिख देते हैं ताकि ये भी साफ हो कि तो रामः रामम। और हम वाक्य में जो उपयोग करेंगे वो वैसा रहेगा जो हमको अभी काम आ रहा है, तो नगरम। तो अब यहाँ पे देखिए शब्द के अंत में आपने यदि म लगा दिया, नगरम रामम ओजसम, तो तब आप ये कह रहे हैं कि ओजस को, राम को या नगर को। तो अहम नगर नगरम गच्छामि मतलब मैं नगर को जाता हूँ। अहम कुत्र गच्छामि चारुलता महोदया? अहम पुनः नगरे गच्छामि। मैंने पूछा अहम कुत्र गच्छामि, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो आप मुझे क्या बताएंगी? तो आप अहम नहीं बोल सकते ना, क्योंकि आप तो मेरे लिए बता रही हैं, तो आपको त्वम या भगवान हाँ उस तरह से शुरू करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से बोल के देखिए। अहम कुत्र गच्छामि, त्वम कुत्र नगरे गच्छामि, त्वम कुत्र नगरे गच्छसि। हाँ, कुत्र नगरे, तो अब नगरे जो है थोड़ा सा यहाँ पे जैसे नगर नगरे मतलब नगर पर या नगर में, और आम भाषा में हम जब ये कहते हैं कि मैं इस जगह पर जा रहा हूँ तो अब वो पर का मतलब उसके ऊपर बैठ के जा रहा हूँ वैसा नहीं होता। तो हम नगर के समय हम नगरम ज्यादा उपयोग करते हैं। यदि हमको नगर में सही में उपयोग करना है तो कर सकते हैं, पर जब जाते हैं उस नगर को तो वो नगर को जा रहे हैं, नगर में नहीं जा रहे, क्योंकि नगर में मतलब आप पहले से ही उस नगर में हैं। अंशु जी, हाँ जी, ये सब जितनी भी विभक्तियां हैं वो सब अकारांत की नहीं है ना, मतलब जो पढ़ा रहे अभी सात विभक्ति हैं। हाँ, अभी पहले हम अकारांत की सीख रहे हैं, और बहुत सारे मतलब चार पांच तरह की होती हैं। आकारांत होती है, फिर इकारांत होती है, फिर पुल्लिंग स्त्रीलिंग के भी अलग अलग तरह से चलती हैं, तो धीरे धीरे सीखेंगे। तो जब हम अभी उत्तर देते समय कहते हैं ना अहम संस्कृतम पठामी, तो वो संस्कृतम क्या है? अकारांत। अकारांत क्या, कौन सी विभक्ति है तो, ये अभी संस्कृत हमने को पढ़ रहा हूँ।
मैं संस्कृत को पढ़ रहा हूँ, तो ये जो है द्वितीया है। अब समझा। है ना, तो अब चलो आगे की दो तीन और विभक्तियां देखते हैं। हाँ, तो प्रथमा ने, इसको याद करने के लिए भी ऐसे करते हैं, प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से या के द्वारा। तो हिंदी में जैसे होता है कर्ता ने कर्म को, बिल्कुल वही ऐसे ही होता है ना, हिंदी में भी वही होता है। हाँ, बिल्कुल वही है, वही का वही है ये, सिर्फ उसको हम संस्कृत के संदर्भ में सीख रहे हैं, क्योंकि हिंदी में तो हम कर्ता ने, तो जैसे ये लगाना है कि राम ने किया या राम पढ़ रहा है, तो हम सीधे राम वैसे का वैसा बोल देते हैं, और राम को बोलना है जब द्वितीया बोलना है तो हम को अलग से लगाते हैं, पर अब संस्कृत में ने को से इन सब के लिए अलग से शब्द नहीं लगाते, इनको जो मूल शब्द है उसी में मात्राएं या कुछ एक 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 अलग अक्षर जोड़ के हम उसको बनाते हैं शब्द, नया शब्द बनाते हैं, तो इसलिए ये सीखना काम का है। तो अब तृतीया में से या के द्वारा, इसी को हम इंग्लिश में बाई या थ्रू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी विभक्ति होती है रामेण, तो रामह रामम रामेण। अब ये इसका एक थोड़ा सा छोटा सा नियम है कि यदि आपके मूल शब्द में र श और श, षटकोण वाला, इनमें से कोई भी अक्षर है यदि मूल शब्द में, तो हम तृतीया बनाते समय अण लगा देते हैं, ये जड़ा है, और यदि आपके मूल शब्द में ये नहीं होता, जैसे बालक, बालक शब्द में र श या श नहीं होता, तो उसकी तृतीया जो है वो न उसमें लगता, बालकेन, जैसे ओजस जी के नाम में भी र श या श नहीं है, तो उसमें भी ओजसेन हो जाता, तो ओजस से या ओजस के द्वारा, राम से या राम के द्वारा, ये क्या सिर्फ पुल्लिंग के लिए है, मतलब इसमें स्त्रीलिंग, अब जैसे मेरा नाम तो श से शुरू हो रहा है बट नी, हाँ नी पे खत्म हो रहा है, तो ये कैसे इसमें कहाँ पे कैसे हो गया? हाँ, अभी आपके नाम का हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी विभक्तियाँ अलग ही चलती हैं, तो ई वाले आपका नाम जो है ईकारांत शब्द है, शिवानी वैसे शिल्पा का नाम आकारांत पे है, चारुलता जी का भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इनकी विभक्तियाँ माता लता गीता इन सब की विभक्तियाँ एक जैसी चलती हैं, फिर शिवानी वैदेही नदी इनकी विभक्तियां थोड़ी सी अलग तरह से चलती हैं, तो वो जब आएंगी तब हम सीखेंगे, पर आपने सही बोला कि ये जो अभी उपयोग है ये पुल्लिंग शब्द में इस तरह का बदलाव होता है। तो नहीं तो सादा न रहता अंत में, पर क्योंकि इसमें र श या श है इसलिए वो ळ बन गया रामेण, नहीं तो वो रामेन रहता। अंजलि तुम्हें एक वो देना चाहिए, वाक्य देते ना वाक्य, मतलब उदाहरण के तौर पे एक वाक्य चाहिए दोनों के लिए। हाँ, तो हाँ अहम यानेन हम उसी उदाहरण को आगे बढ़ा रहे हैं, अहम यानेन गच्छामि, तो यान जो शब्द है, यान शब्द का अर्थ
कोई बोलेगा? यानम शिप। हाँ तो अब यहाँ अलग अलग अर्थ हैं। यानम जो है एक नॉर्मल गाड़ी के लिए हम उपयोग करते हैं संस्कृत में, कोई भी गाड़ी, ठीक है। तो यानेन गच्छामि मतलब मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, अहम यानेन गच्छामि। अब इसी को हम अलग अलग तरह से भी ये उपयोग में आता है संस्कृत में। जैसे आपने बोला शिप, तो यदि आप इसी शब्द को जलयानेन गच्छामि मतलब जलयान बना देते तो वो समुद्री नौका हो जाती। उसी को हम यदि रेल यानेन बोल देते तो फिर वो रेलगाड़ी हो जाती। तो इस तरह से अलग अलग मंगलयान। हाँ मंगलयान, तो मंगल ग्रह का जो यात्रा करता है वो वाला यान मंगलयान। और यान जो शब्द है मूल शब्द, वो एक सादी गाड़ी है, कोई भी गाड़ी। तो इससे एक और प्रश्न आया, जैसे विमान हो गया तो उसमें हाँ। भी आई राया आधा ये यान का हिस्सा, तो विमान विम मतलब वायु से तो रिलेटेड नहीं है? विमान एक अलग शब्द है, तो आप यदि अच्छा। विमान उपयोग कर रही हैं तो फिर यान उसमें नहीं आ रहा, तब आप विमानेन गच्छामि ही सीधे कहेंगी। विमान एक शब्द ही अलग है, पर आप वायु यानेन जरूर कह सकती हैं क्योंकि वो दोनों पर्यायवाची। वायु यान यान शब्द से ही बना है, जैसे हमने रेल यान बोला या जल यान बोला, वैसे वायु यान। तो वायु यान और विमान दोनों पर्यायवाची हैं। हाँ तो वही ये हो सकता है ना, ये इसका क्या अपभ्रंश हो, विमान हो भी वायुयान हो सकता है, पर हमको बहुत पुराने शास्त्रों में भी पुष्पक विमानम या इस तरह की चीजें सुनने मिलती हैं, पढ़ने मिलती हैं। तो ऐसे तो संस्कृत में बहुत सारे शब्द हैं जिनके कई शब्द हैं, मतलब एक ही जैसे अग्नि, अग्नि भी है पावक भी है, तो अग्नि और पावक लेकिन दोनों अग्नि के लिए ही उपयोग होते हैं। जल भी है नीर भी है, जनक भी है पिता भी है, तो अब ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं जिनके पर्यायवाची काफी सारे हैं। माता भी है जननी भी है। तो पर जो आप बोल रही हैं हो सकता है वैसा हुआ हो, वायुयान का विमान बन गया हो सकता है। अभी मुझे शब्द के मूल के बारे में मुझे भी नहीं पता है कि वो कैसे, ये सही में एक दूसरे का बदला है या वो बिल्कुल अलग अलग शब्द है। हाँ ओजस जी आप कुछ बोल रहे थे। और वो जो जो शब्द है ना वो उसके लिए भी उदाहरण दीजिए ना, वो अणा वाले शब्द के लिए। अणा वाला तो मैं अभी जो मेरी स्थिति है मैं उसी के बारे में बोलता हूँ कि अहम गृहेण वदामि। या पाठ पठा इसमें तो ग आ गया है ना, इसमें तो ग है ना अंशु जी, र भी तो है, गृहेण में र की अच्छा, मात्रा तो आ रही है, हाफ भी चलता है, ओके। कहीं भी उस पूरे मूल शब्द में कहीं भी र श या श का यदि प्राकट्य है तो आप उसकी जो तृतीया है अच्छा पूरे शब्द में किधर भी ओके। हाँ तो अहम गृहेण वदामि मतलब मैं घर से बोल रहा हूँ या मैं घर से पढ़ रहा हूँ। तो ओजस महोदय भवान कुत्र पठसि? अहम गृहेण पठामि। अब यही प्रश्न आप बाकियों से भी कीजिए। हाँ। कर शिवानी महोदया भवती कुत्र पठसि? अहम गृहेण पठामि। शिल्पा महोदया
भवती कुत्र पठसि? कुत्र पठसि? अहम् गृहेण पठामि. चारुलता महोदया, त्वं कुत्र पठसि? अहम् गृहे पठामि. अहम् गृहे वदामि. हाँ, तो अब आप बोल रही हैं कि हम गृहे पठामी, मतलब मैं घर में या घर पर पढ़ रही हूँ. और आप ये भी बोल सकती हैं कि हम गृहेण पठामी, क्योंकि हम अभी तृतीया सीख रहे हैं, तृतीया विभक्ति. तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं घर से या घर से पढ़ रही हूँ. और एक चीज यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि जब हम ये भवान, जब हमने पहले वाक्य पूछे थे एक दूसरे से, भवत्याह नाम किम या भवतः नाम किम, इसका मतलब है आपका, कि आपका नाम क्या है, ठीक है. लेकिन जब हम भवान या भवती उपयोग करते हैं तो इसका मतलब है आप, ठीक है. तो आप या आपका, दोनों में से आपको जो भी अपने वाक्य में उपयोग करना है उसके हिसाब से भवान या भवतः या फिर भवती या भवत्याह आप उपयोग करेंगे. तो अब जब हम किसी को त्वम बोलते हैं तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना आवश्यक है कि त्वम का मतलब है तुम, ठीक है. तो यदि कोई हमारे बराबर है या छोटा है तो तब तो त्वम चल जाता है. पर जो संस्कृत समझता है उसके लिए त्वम जो है, कई बार यदि वो बड़ा है या तो वो सम्मानजनक होने की बात बीच में आ जाती है. इसलिए हम ज्यादातर भवान भवती या भवतः भवत्याह ज्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें फिर वो शंका नहीं रहती कि आप बोलना है कि तुम बोलना है, क्योंकि इसका मतलब अपने आप ही सम्मानजनक है. आप ही है ये, आपका, भवतः भवत्याह या फिर भवान भवती आप, तो इसमें सम्मान पहले से ही जुड़ा हुआ है. तो जब भी हम किसी से पूछ रहे हैं तो भवान भवती लगाया तो फिर कोई शंका नहीं है कि वो बिना सम्मान के तो नहीं हो रहा कहीं, ठीक है. तो ये चीज ध्यान में रखी जा सकती है कि क्योंकि ये होता है, ये मैंने भी देखा है कि हमको त्वम जो है हमारे मुंह पे जल्दी आता है क्योंकि वो हिंदी से मिलता जुलता है, तुम जो हम कहते हैं ना उससे मिलता जुलता है, इसलिए वो जल्दी आता है दिमाग में. पर भवान भवती उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे उसकी भी आदत पड़ जाएगी, क्योंकि वो सम्मानजनक है, ठीक है. तो अब जो है विभक्तियों में वापस जाते हैं और अब 5 बज रहा है तो हम चतुर्थी करते हैं और चतुर्थी के बाद रुकते हैं. तो चतुर्थी जो है प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से चतुर्थी के लिए अंग्रेजी में फॉर. तो अब इसका जो शब्द है वो होता है रामाय बालकाय ओजसाय यानाय. तो अंत में आय लगा दिया तो ये चतुर्थी हो गई. तो अब मैं एक वाक्य लिखता हूं. आप कोई वाक्य कोशिश करना चाहेगा, कोई भी चतुर्थी के लिए? और कोशिश करने में कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से प्रयत्न कीजिए, कुछ ना कुछ सही गलत उसकी चिंता मत करो. चतुर्थी के लिए कोई बोलना चाहता है कुछ? नहीं तो फिर मैं एक उदाहरण देता हूँ. आप
रामाय प्रार्थना। हाँ बोलिए ओजस जी। रामाय प्रार्थना करो कुरुत्व, मतलब राम के लिए प्रार्थना करो, तो रामाय प्रार्थना कुरुत्व में से कुरु गुरु बोल सकते हैं, या आप खुद का बता रहे हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं रामाय वंदना करोमि या प्रार्थना करोमि, राम के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, है ना। चारुलता जी आप भी कुछ बोल रही थी उदाहरण। रामाय तस्मै नमः श्लोक है उसमें आता है रामाय तस्मै नमः, रामो राज्य मणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेण भीता निशाचरचम रामाय तस्मै नमः। राम उत्तमम, तो ये भी हम लिख देते हैं, दोनों लिख देते हैं रामाय प्रार्थना कुरु रामाय तस्मै नमः और रामाय तस्मै नमः, तस्मै नमः तो इसका अर्थ है राम के लिए नमस्कार। श्लोक में दूसरा भी आपने बोला था ना भो राम मामुद्धरा भो राम जो है वो यहाँ अष्टमी है संबोधन जो हम हे राम है भो राम है, भो राम और हे राम जो हम कहते हैं या है। किसी को भी हम जब संबोधित करते हैं जैसे बुलाना है ओजस जी को, हे ओजस, अपन हिंदी में कहते हैं ना ओ ओ ए ऐसे करके लगाते हैं ओ ओजस ए ओजस, तो उसी को संस्कृत में हे या भो शब्द के आगे यदि आपने लगा दिया हे राम भो राम तो वो संबोधन हो जाता है। तो ठीक है, बाकी बची हुई तीन विभक्तियां हम अगली बार करेंगे, अभी 5 बजे के ऊपर हो चुका है तो आज रुकते हैं। कक्षा समाप्त हो सके तो रिकॉर्डिंग भेजना, हो सके मैं नहीं लिखती हूं। हाँ, इस बार तो रिकॉर्डिंग ठीक से हो रही है, आज तो रिकॉर्डिंग ठीक, पिछले हफ्ते वाली कभी भी आज कल कभी भी भेजो। हाँ आज मम इच्छामि दर्शनम शिल्पा शिवानी ओजस दर्शन, वीडियो चालू नहीं किया है, वीडियो कराओ ना चालू एक बार देख लें। मम चलचित्रम अस्ति शिल्पा शिवानी सर्वे अपि दर्शनम ददातु शिल्पा, पर मुझे तो किसी के वीडियो नहीं दिख रहे, तो गड़बड़ है यहाँ पे। सबके दिखिया दर्शन हो गए ओजस जी के, शिल्पा जी के और शिवानी जी, शिवानी जी को पहले देखा था, ओजस को भी देखा था, शिल्पा भी आज देखा। मुझे कुत्र वसती शिल्पा महोदय, कुत्र नगरे वसती शिल्पा महोदय, नगरी वसती वसामी, हाँ पुणे नगरे वसामी चारुलता महोदया। हम वडोदरा नगरे वसामी, वडोदरा गुजरात, गुजरात पुत्र वसती पुणे, मम मध्य पुत्र वसती पुणे। हाँ सच्चा झूठा बोलो भैया। उत्तमम उत्तमम, कक्षा समाप्तम करोमि, सर्वेषां नमो नमः, सर्वेषां नमो नमः, सर्वेषां नमो नमः। मैं ऐसा नोट किया पॉसिबल है।